नमस्कार, आप जो रहा छो न्यूज 18 गुजराती, आपने साथ हूं वृथा। नजर करें मॉर्निंग खंडपीठ पर। उमरेठ में त्रण तलाक की फरियाद, मुस्लिम युवती ने तेना पति इंस्टाग्राम पर त्रण बार तलाक आपी संबंध छूटो करो, जेनी फरियाद पत्नीए पुलिस में नोंधाता पति फैसल शेख विरुद्ध पुलिसे शुरू करी तपास। वीरपुर रहता फैसल ना लग्न वर्ष 2019 में थया हता ने फैसल ने पत्नी गमती न होवाथी जुलाई में फैसले तेनी पत्नी ने त्रण वार तलाक बोली अने आप्यु हतु, जो के पत्नीए सामे कोई जवाब न आपता बन्ने वच्चे अणबनाव पत्यो हतो। अमदावाद में कर्फ्यू अमल रात्र चालू थवा छता केटलाय लोको नथी डरी रहा, आईआईएम रोड पर परिवार साथे बहार निकलनार लोको न्यूज 18 ना केमेरा में कैद थया छे। सौथी वधारे युवानो कर्फ्यू ना नियमो तोड़ता नजरे पड्या। दारूनी हेराफेरी आरोप में अमदावाद की कड़वा पुलिस बे पुलिसकर्मीओं की करी धरपकड़। एमटी और महिला क्राइम ब्रांच में फरज बजावता महेंद्र सिंह और युवराज सिंह की धरपकड़। हरियाणा की दारू मंगावानो आरोप। सुरेन्द्रनगर भूगुपुरा में गाम में बोगस डॉक्टर झड़पायो, डिग्री वगर लोग आरोग्य साथ चिंता करता नकली डॉक्टर ने एसओजी पुलिस धरपकड़ करी। चूडा पुलिस मथके गुनो नोधी तपास हाथ धराय। बोगस डॉक्टर छेला 6 मासथी क्लिनिक चलावतो होवानुं पण सामे आव्युं। एसओजी पुलिसे एलोपेथी दवा सहितना तमाम मुद्दामाल जप्त कर्या छे। जिल्लामां छेला 4 दिवसमां 2 बोगस डॉक्टर झड़पाया। राज्यमां हजु 2 दिवस कोल्ड वेवनी आगाही, अमदावाद गांधीनगर अने बनासकांठामां कोल्ड वेवनी आगाही छे। आणंद वडोदरा राजकोट पोरबंदरमां पण रहेशे कोल्ड वेव। भावनगर जूनागढ़ कच्छ में आगामी 2 दिवस फूंकाशे ठंडा पवन, हाल राज्य में उत्तर तरफ का फूंकाई रहा है पवन। गुजरात में कोरोना केस में आंशिक घटाड़ो, छेल्ला 24 कलाक में 14,781 नवा केस नोंधाया छे। कोरोना थी वधारे 21 दर्दियों मृत्यु, 24,800 थी वधारे दर्दियों रिकवर थया। राज्य में हाल 1,28,000 थी वधारे केस। सौथी वधारे अमदावाद में कोरोना 5,325 केस नोंधाया छे, जारे 9 दर्दियों मृत्यु था। वडोदरा में 3,016, राजकोट में 1,235 केस नोंधाया छे। सूरत में नवा 1,228 केस सामे आव्या। गांधीनगर में 746 केस नोंधाया छे। महेसाणा में कोरोना नवा 403 केस, कच्छ में 312, जारे आणंद में 245 केस नोंधाया। तो भावनगर में 259, पाटण में 230, जामनगर में 245 केस आव्या छे। देश में कोरोना केस में फरी वधारो, छेल्ला 24 कलाक में कोरोना 2,55,874 केस सामे आव्या। 614 लोकोना थया छे मृत्यु, 2,67,67,000 थी पण वधारे लोको थया डिस्चार्ज। महाराष्ट्र में 24 कलाक में 28,286 केस सामे आव्या छे, 36 दर्दीओना कोरोना थी मृत्यु थया छे। महाराष्ट्र में हाल 3,03,000 थी वधारे एक्टिव केस। राजधानी दिल्ली में कोरोना ना नवा 5,760 केस सामने आया छे, छेल्ला 24 कलाक में 30 दर्दियों ना मृत्यु थया छे। दिल्ली में हाल 45,000 थी पण वधारे एक्टिव केस। केरल में कोरोना वायरस ना नवा 26,514 केस नोंधाया छे, एक ज दिवस में 171 लोगों ना मृत्यु थया छे। केरल में एक्टिव केस की संख्या 2,60,000 थी पण वधारे। तमिलनाडु में 24 कलाक में कोरोना नवा 30,215 केस नोंधाया छे, 46 दर्दियों मृत्यु थया छे। तमिलनाडु में 2,00,000 थी वधारे एक्टिव केस। विश्व में कोरोना वायरस ना अत्यार सुधी में कुल 36,30,00,000 थी वधारे केस नोंधाया छे। दुनिया भर में 56,45,000 थी वधारे लोकोए कोरोना थी जीव गुमाव्यो छे, 28,69,00,000 थी वधारे लोको रिकवर थया। अमेरिका में अत्यार सुधी में कुल 7,41,00,000 थी पण वधारे केस नोंधाया, 8,98,000 थी वधारे लोकोना मृत्यु थया छे, तो 4,54,00,000 थी वधारे लोको रिकवर थया। फ्रांस में कोरोना ना कुल 1,77,00,000 थी पण वधारे केस, अत्यार सुधी में 1,29,000 थी वधारे लोकोए जीव गुमाव्या छे, तो 1,10,00,000 थी वधारे लोको थया रिकवर। ब्राजील में कोरोना वायरस ना कुल 2,45,00,000 थी पण वधारे केस, अत्यार सुधी में 6,24,000 थी वधारे लोकोना मृत्यु थया छे, 2,20,00,000 थी वधारे लोको थया रिकवर। ब्रिटन में अत्यार सुधी में 1,61,00,000 थी पण वधारे केस सामे आव्या छे, 1,54,000 थी वधारे दर्दीओना मृत्यु थया छे, कुल 1,27,00,000 थी वधारे लोको थया स्वस्थ। रशिया में कोरोना वायरस ना कुल 1,13,00,000 थी पण वधारे केस, कोरोनाए 3,28,000 थी वधारे लोकोनो भोग लीधो छे, 1,00,00,000 थी वधारे लोको थया स्वस्थ।
राज्य में कोरोना ने लेने राहत ना समाचार। अचानक तेज गति थी वधी रहेला केस ऊपर लागी छे ब्रेक। 15 फेब्रुआरी सुधी में देश माथी कोरोना की तीजी लहर खत्म थई जवानु तबीबोनु अनुमान। अमदावाद में जीनोम सिक्वन्स तपास माटे जीबीआरसी पासे ज जीटीयूएस सिक्वन्स मशीन वसाव्यु छे। आ सिक्वन्सर में एक साथ 25 सैम्पल टेस्ट थशे, ज्यारे कोरोना नवा वेरियंट विशे जाणी शकाशे। राज्य में युवाओं ने रोजगारी और तकों अंगे बे नेताओं विरोधाभासी निवेदन। गृह राज्यमंत्री हर्ष सिंघवीए कहु गुजरात में अढ़ड़क तक जी सरखामणी कोई राज्य न आई सके, जयरे नीतिन पटेले ओछी तक हो निवेदन। कोरोना की स्थिति में धोरण 1-9 शालाओं खोलवा अंगे शिक्षण मंत्री जीतू वाघाणी आप्या निवेदन। कहु कि शाला खोलवा अंगे विद्यार्थियों हित में निर्णय लेवाशे, तमाम परिस्थिति की थशे चकासणी। कोरोना काल में विद्यार्थियों ने शिक्षण में घणु नुकसान थयु होवानु वाघाणीनु निवेदन। कहु कि वालीओनी जेमज सरकार पण शाला खोलवा अंगे संवेदनशील रूपथी राखी रही छे नजर। शाला में फी वधारा एफआरसी निर्णय पर शिक्षण मंत्री गोल गोल जवाब आप्या। शिक्षण मंत्री कहु कि एफआरसी बोर्ड हाईकोर्ट द्वारा सूचना मुजब स्वतंत्र बनेलू है, जेमां सरकार पण हस्तक्षेप नहीं करती। दक्षिण गुजरात राजकारण में गरमावो, सूरत प्रदेश कांग्रेस नेताओं धामा। जारे कांग्रेस चार धारासभ्य अर्पेश कथिरिया की ऑफिस पहुंचा, ललित कगतरा, ललित वसोया, किरीट पटेल और प्रभात दूतात साथ बैठक पूर्ण। महिसागर पांडरवाड़ा गाम में भाजपा तालुका पंचायत सभ्य पर गोमांस तस्करों आरोप मुकती पत्रिका वायरल थी। निशांत जोशी पत्रिका ने राजकीय षड्यंत्र गणावी पुलिस स्टेशन में नोंधावी फरियाद। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी फरीवार विवाद में, 22 मार्चे योजानार सेनेटनी चूंटणी में मतदारों कपाया नाम। मतदार यादी में 800 में 250 जेटला प्रोफेसर नाम कपाया होवानो यूनिवर्सिटी अध्यापक मंडल आक्षेप। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी की 68 ग्रांटेड कॉलेज में मात्र 20 कॉलेज प्रोफेसर यादी में समावेश कराया आक्षेप है। अचानक नाम कमी थवा मामले सत्ताधीश मंडले रजूआत करी, जारे जरूर पड़े कायदाकीय पगला लेवानी चीमी। वडोदरा में खलील तंतेजवी ने मरणोपरांत पद्मश्री ओटी सम्मानित कराशे। जाणीता कवि और लेखक था खलील तंतेजवी, गजलकार तथा कुलमिस तरीके पण तेओ जाणीता हता। शाने पिल 2021 ना रोज तेमनुं अवसान थयुं हतुं। सौजी धोळकिया ने पद्म पुरस्कार की जाहरात थता ज अमरेलीना दुधाड़ा स्थित निवास स्थाने समर्थकों अने शुभेच्छकों उमटी पड़ा। सौजीभाए केन्द्र सरकार अने प्रधानमंत्री मोदीनो मान्यो आभार। राज्यना 6 गुजरातीओ ने पद्मश्री एवोर्डथी कराशे सम्मानित। स्वामी सच्चिदानंद ने पद्मभूषणथी सम्मानित कराशे। सौजी धोळकिया, खलील तंतेजवी, डॉक्टर लता देसाई ने पण पद्मश्रीथी कराशे सम्मानित। स्वामी सच्चिदानंद जी ने केन्द्र सरकारे कला और शिक्षण क्षेत्र नोंधपात्र कामगिरी बदल पद्मभूषण एवोर्डथी सम्मानित कर्या। स्वामी सच्चिदानंद जी ए केन्द्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदीनो मान्यो आभार। रमीलाबेन रायसिंग भाई गामित, जयंत कुमार, मगनलाल व्यास ने पद्मश्री थी सम्मानित कराशे। देश में पद्म विभूषण माटे कुल 4 लोगों की पसंदगी, जयरे पद्मभूषण माटे कुल 17 लोगों की पसंदगी। देश में पद्मश्री माटे कुल 107 लोगों की पसंदगी। केनेडा में 4 गुजरातियों ना मौत अंगे तपास। राज्य सरकार केन्द्र सरकार ना संपर्क में होवानु गृह राज्यमंत्री हर्ष सिंघवी निवेदन। कहु कि घटना ने लईने कोई क्षति छोड़वामां नहीं आवे, सरकार करी रही छे तमाम प्रयास। दिल्ली में प्रजासत्ताक दिवस की परेड में गुजरात आदिवासी क्रांतिवीरो विषयक टेबलो रजू थयो। साबरकांठा पाल और दडवाऊ गाम में अंग्रेजों सर्जेला जिल्लाबाग करता पण वधारे भीषण हत्याकांड की झांकी प्रस्तुत कराई। ईस्वीसन 1922 में थे हत्याकांड में 1200 जेटला आदिवासी थया हता शहीद। जमीन, महसूल व्यवस्था, जागीरदारों अने रजवाड़ा कायदा विरोध करने एकत्रित थे लोगों पर वरसावाई थी गोली। अमदावाद में आजादी अमृत महोत्सव 2022 भागरूपे शहीदों को शत-शत नमन कार्यक्रम योजा। शहीदों परिवारजनों सम्मान कर शहीदों ने श्रद्धांजलि अर्पण कराई। भारत सरकार उद्योग और रक्षा मंत्रालय हेठ आता भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में राजकोट जिला में भाजप अध्यक्ष मनसुख भाई की वरणी कर बीएल भारत सरकार की मालिकी ने एरोस्पेस और डिफेन्स इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी। चूंटणी पंच बनासकांठा कलेक्टर आनंद पटेल ने श्रेष्ठ जिला चूंटणी अधिकारी एवोर्ड एनायत करो। आनंद पटेले अगाउ पाटण जिला में श्रेष्ठ जिला चूंटणी अधिकारी एवोर्ड एनायत करायो। नवदंपति ने पोलिस स्टेशन में राखवा अंगे गृह राज्यमंत्री लीधी गंभीर नोंध।
कहू कि आवा प्रकार की भूल चलावी ले नहीं आवे। समग्र घटना ने उच्च अधिकारी ने तपास सौंपा। सामाजिक परिस्थिति गुना की गंभीरता जो निर्णय लेवा तमाम उच्च अधिकारी ने सूचना। गृह राज्य मंत्री कहू कि लग्न उपरांत हेलमेट मास्क अंगे रीढ़ा गुनेगार जेवा वर्तन न करव जो। गोधरा रोड पर पानी की पाइपलाइन में भंगाण थता फुवारा छूटा। मेमूननगर नजीक पाइपलाइन में 10 जेटला भंगाण पड़ता उड़िया था फुवारा। हजारों लीटर पानी बगाड़ थो। तंत्रए पानी सप्लाय कर्यो। भावनगर में खेडूत ने पियत माटे छोड़वामां आव्यु पानी। शेत्रुंजी डेम में डाबा कांठा और जमणा कांठा की केनाल में पानी आपवामां आव्यु। 60 क्यूसेक पानी छोड़वामां आवता खेडूतो में खुश। राजकोट ने गोंडल मार्केटिंग यार्ड में डूंगळी की खरीदी माटे अन्य राज्यों में आया वेपारी। मध्यप्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश बिहार ओरिस्सा सहित राज्य में वेपारी खरीदी करवा आया। गोंडल मार्केटिंग यार्ड में डूंगळी 20,000 कट्टा की आवक। हराजी में 20 किलो भाव 185 ने 475 रूपया सुधी बोलाया। अतिवृष्टि ने कारण चौमासु पाक निष्फल जता यार्ड में घटी डूंगळी की आवक। दीव प्रशासक प्रफुल्ल पटेले आईएनएस कुकरी युद्ध जहाज ने प्रवासियों माटे म्यूजियम तरीके खुल्लू मुक्यो। 1971 युद्ध में 2 एक जहाजे लीधी थी जलसमाधि। भारतीय नौसेनाए दीव प्रशासने आईएनएस कुकरी जहाज ने आपी चपेट। द्वारका वडाड़िया सिंहण गाम में लग्न प्रसंगे अंधाधूत फायरिंग मामले पुलिस आई हरकत में। न्यूज 18 गुजराती अहवाल बाद गुनेगारों सामे भरिया पगला। 3 लोग विरुद्ध आर्म्स एक्ट और जाहिरनामा भंग गुनो दाखिल। टेक्निकल कॉलेजेस में आइडिया लैब स्थापवा एआईसीटीई ए ताकीद कर्या बाद गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की सूचना। संलग्न दरेज कॉलेजों लैब शुरू करने सूचना आपी है तो लैब शुरू करना ने काउंसिल 1,10,00,000 जेटली ग्रांट आपशे। कोरोना महामारी वावाजोड़ा सहित अनेक कुदरती आपदाओं ने कारण पोरबंदर मछीमारों ने पड़ो आर्थिक फटको। खेडूतोनी साथे सागर खेडूतोने पण आर्थिक सहाय चूकवा पोरबंदर खारवा चिंतन समितिए सरकार ने करी रजूआत। कच्छ में विनाशक भूकंपना 21 वर्ष पूर्ण। 21 वर्ष पहला आवेला भूकंप में केटलाय लोकोए पोताना जीवनभरनी कमाणी और संपत्ति गुमावी। भूजना अमीनाबेन कुंभार ने भूकंप में हाथपग में इजात पहुंची थी और हाल अत्यारे आर्थिक रीते पगपर बन्या। वेलकम बेक। अगर नजर करे मॉर्निंग 100 पर। अमदावादना धंधुका में फायरिंग करी अने हत्यानी घटना में परिवारजनोए स्वीकार्यो मृतदेह। अंतिम यात्रा में मोटी संख्या में लोग जोड़ा तो मोढवाड़ा सुंदरकुवा विस्तार में किशोर मोड़िया की कराई थी हत्या। नवसारी विजलपोर में आंबेडकर नगर में पानी की गीजर फाटता 4 लोग दाजा। आ साथ ज घर में व्यापक प्रमाण में नुकसान थयुं। तमाम सारवार हेठळ। जामनगर पुलिस स्टेशन में आरोपी पीआई पर हुमला कर्यो। पीआई ने हाथकड़ी मारी माथु दीवाल साथ अथड़ायू तो उपरांत पीआई ने आंगळी में फ्रेक्चर पण थयुं हतुं तो आरोपी सामे नोंधाई फरियाद। भावनगर पालीताणा में बेखड़ पड़ता मजूर दटायो। बोरावाड विस्तार में बांधकाम दरमियान बाजू में मकान की दीवाल धसी पड़ता मजूर दटायो। इजाग्रस्त मजूर ने सारवार माटे भावनगर खसेड़ा। द्वारका जिला की वाड़ीनार ग्राम पंचायत में नवनियुक्त सरपंच ब्रांच नेता झड़पायो। आजूबाजू की कंपनी पास थी एनओसी बदल हस्तर रूपे 1,50,000 की लांच लेता एसीबीए रंगे हाथ झड़पी पड़ो। अरवली मोड़ासा खंभीसर गाम पास अकस्मात। प्रजासत्ताक दिवस की उजवनी में सरडोई जनार शिक्षिका मृत्यु। बे कार वच्चे थयो हतो गमकवार अकस्मात। छोटाउदेपुर में डोलोमाइट पत्थर भरेली ट्रक पलटी गई। डोलोमाइट पत्थर भरी और फेक्टरी तरफ जा रही थी आ ट्रक और जेमा सवार 4 श्रमिकों पैकी 2 श्रमिकों मृत्यु। बने मृतक कानावाट गामना होवानु आव्यु। समीना वराणा रोड पर खानगी बस और अल्टो कार वच्चे गमकवार अकस्मात। कार में सवार भाई बहनों घटनास्थल पर मृत्यु। 3 लोग गंभीर रीते थे इजाग्रस्त। परिवार में लग्न अवसर मातम में फेरवार। मोबाइल वपराशकारों माटे चेतवनी रूप किस्सो। वडोदरा में करजण में शर्ट खिस्सा में राखेला मोबाइल अचानक सड़गो हो। बचाव में मोबाइल खिस्सा में काढ़ी ने फेंकी देवाता भड़को थो। घटना में कोई जानहानि नहीं। कालोल वेजलपुर नजीक ट्रक और बाइक वच्चे अकस्मात में 3 लोग मृत्यु। बाइक पर सवार 3 युवाओं घटनास्थल पर मृत्यु। मृतकों हालोल नजीक आवेला वाघावाणी होवानी माहिती।
કચ્છના મુદ્રાપોર્ટ પર બીજા દિવસે પણ કસ્ટમની કાર્યવાહી. ખસખસ બાદ 1.5 કરોડની આયાતી સોપારીનો જથ્થો પણ ઝડપાયો. દુબઈના જેબલ અલી પોર્ટથી લેવાયો હતો જથ્થો. પ્લાસ્ટિકના ગાર્બેજ વચ્ચે છુપાયેલો હતો 22.5 ટન સોપારીનો જથ્થો. કસ્ટમ વિભાગે મુદ્રા રોડના ઓલકાર્ગો સીએફએસના ઓપરેશન દરમિયાન ગેરકાયદે આયાતી જથ્થો પકડ્યો. ગીર સોમનાથના ઇનાજ ગામે માછીમારીની ઘટના. આશ્રમના મહંત અને ગ્રામજનો વચ્ચે મારામારીની ઘટના સામે આવી હતી તો છરી ધોકા સહિતના હથિયારો વડે મારામારી કરવામાં આવી. બંને પક્ષે 11થી વધારે લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા તો તમામને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડાયા. અમદાવાદના ધંધુકામાં ફાયરિંગ અને હત્યા કેસમાં મોટા ખુલાસા. ધાર્મિક લખાણને કારણે હત્યા થઈ હોવાનું પોલીસને શંકા તો પોલીસ અત્યાર સુધીમાં 5 લોકો સામે નોંધી ફરિયાદ. બાઇક પર આવેલા 2 આરોપીઓએ કર્યું હતું ફાયરિંગ. સ્થાનિકોની પૂછપરછ માન્ય 3 આરોપીઓના નામ ખુલ્યા. ધંધુકા પોલીસ પાસે હાલ શંકાસ્પદોના નામ છે, જ્યારે તપાસમાં જિલ્લા એસઓજી અને એલસીબી પોલીસ પણ જોડાઈ. અમદાવાદમાં મયંક દીક્ષિત નામના શિક્ષકની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને તે કેસ હાલ અત્યારે ધરપકડ કરવામાં આવી છે. એલન ઇન્સ્ટિટ્યૂટના મોટિવેશનલ સ્પીકર છે મયંક દીક્ષિત. અભ્યાસ કરવા આવેલી યુવતી સાથે દુષ્કર્મ આચર્યાનો આરોપ. ફોટો વિડીયો યુવતીના પિતાને અને મિત્રોને મોકલવાની ધમકી આપ્યાનો પણ આરોપ છે. વસ્ત્રાપુર પોલીસે દુષ્કર્મ કેસમાં શિક્ષક મયંક દીક્ષિતની કરી ધરપકડ. અરવલ્લીની મેશ્વો કેનાલમાં ડૂબી જતા 5 વર્ષની બાળકીનું મૃત્યુ થયું. મોડાસાના ટીંટોઈ પાસે તણાઈએ આવ્યો હતો મૃતદેહ. ભિલોડ પોલીસ તાલુકાના લાલપુર ગામની આ ઘટના. મોડાસાના ખંભીસર પાસે શિક્ષિકાને નડ્યો માર્ગ અકસ્માત. સરડોઈ હાઈસ્કૂલમાં ફરજ પર નીકળેલા શિક્ષિકા રાંગાણી પટેલનું કારમાં અકસ્માતમાં મૃત્યુ. કારમાંથી પરીક્ષાના પેપર પણ મળી આવ્યા. ભાવનગરમાં પાનવાડી ચોકમાં લગ્ન પ્રસંગે યુવકની હત્યા કરનાર 4 આરોપી ઝડપાયા છે. 2 આરોપીઓ હજુ પણ ફરાર. આરોપીઓ સામાન્ય બાબતમાં કરી હતી યુવકની હત્યા. અન્ય 3 લોકોને પહોંચાડવામાં આવી ગંભીર ઇજા. મોરબીના ઘટુ ગામમાં સીમમાં વૃદ્ધ ખેડૂતના મૃતદેહ મામલો કેસ ખુલાસો થયો છે. શંકાસ્પદ મુનામેરે પૂછપરછ દરમિયાન હત્યા કર્યાનું કબૂલ્યું. ફૈ સાથે કરી હતી મજાક અને આ વાતમાં હત્યા કરવામાં આવી. મૃતદેહને સગે વગે કરનારની શોધખોળ. અમદાવાદમાં બિંદાસ દારૂની હેરાફેરી થતી હોવાનો વિડીયો વાયરલ થયો છે. નરોડા અને કૃષ્ણનગર વિસ્તારની દારૂની હેરાફેરી. પોલીસ અધિકારીઓનું દારૂની હેરાફેરીથી અજાણ હોવાનું રટણ. જૂનાગઢ માણાવાદર રોડ પરથી ભારતીય બનાવટીનો વિદેશી દારૂ ઝડપાયો છે. જ્યારે 3420 બોટલની 181 પેટી જપ્ત કરવામાં આવી. જો ટ્રકમાં પૂઠાની પેટીમાં લવાઈ રહ્યો હતો દારૂ. 3 આરોપીઓની ધરપકડ. આરોપીઓ ખુલ્લી વાડીમાં જ કટિંગ કરતા હતા ત્યારે એલસીબી પોલીસ ત્રાટકી હતી. કેશોદના 1 અને અન્ય 2 પરપ્રાંતીય આરોપીઓની ધરપકડ. પોલીસે 23,93,000 નો મુદ્દામાલ કર્યો જપ્ત. મોર્નિંગ 100 માં અત્યારે બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર માટે જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. નમસ્કાર.